हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की ट्रेडिशनल खोबा रोटी बनाएंगे, पर हम इसे कुछ मसालों और गार्लिक डालकर बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जब भी कुछ अलग खाने का मन करे तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम 1 कप गेहूँ का आटा लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 5 से 6 लहसुन की कली जिसे मैंने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करके लिया है, 1 टेबल स्पून घी। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा हमें पूड़ी के आटे के जैसे लगाकर तैयार करना है। आटा हमने लगा लिया है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे। 10 मिनट बाद आटा अच्छे से सेट हो गया है, अब हम इसे थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। अब हम रोटी बनाएंगे। सबसे पहले आटे को 3 इक्वल साइज में डिवाइड करेंगे और 3 लोई बनाकर तैयार करेंगे। अब हम एक लोई लेंगे और इसे मोटा रखते हुए बेलेंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। आटा हमें ऐसा गूंथना है कि हम बेलें तो हमें इसमें सूखा आटा नहीं लगाना पड़े। तो हमने इसे मोटा रखते हुए बेल लिया है। खोबा रोटी इससे भी ज़्यादा मोटी बनती है, पर हम इसे ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे क्योंकि हमें इसे तवे पर ही दोनों साइड से सेकना है। अब हम रोटी पर पिंच करते हुए डिज़ाइन बनाएंगे। पिंच करते हुए डिज़ाइन आप पूरी रोटी में अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं। तो तीनों रोटी हमने बना ली है, अब हम इसे सेकेंगे। तो तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और रोटी को सेकने के लिए डालेंगे। रोटी को अब हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर सेकने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद रोटी पर ऊपर से हल्का सा घी लगाएंगे और इसे पलट देंगे। रोटी को हमें दोनों साइड से तवे पर अच्छे से सेकना है। आप चाहे तो घी बाद में भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसे फिर से पलटेंगे। आप चाहे तो एक साइड से इसे गैस की आंच पर भी सेक सकते हैं। रोटी को दोनों साइड से हमने अच्छे से सेक लिया है, अब हम इसी प्रकार से बाकी की रोटी को भी सेकेंगे। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी खोबा रोटी बनकर तैयार है। तो इसे अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सर्व करते समय ऊपर से अच्छे से घी डालेंगे, थोड़ा सा बटर डालेंगे। इसे आप गर्मा गर्म दाल या कढ़ी के साथ सर्व करें। पर ये रोटी हमने मसाले और गार्लिक डाल के बनाई है, तो इस रोटी को आप अचार या चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।